उधर पीएनबी बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में फिल्मी स्टाइल में तीन युवकों ने 1,70,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। आरोपी एक घंटे तक साथ वाली दुकान में घात लगाए बैठे रहे। मौका देख फिल्मी स्टाइल में लूट को अंजाम दिया। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें कानून व्यवस्था की पोल खोलती हैं, साथ ही बताती हैं कि रोहतक में बदमाश बेखौफ हैं। उनमें पुलिस नाम का जरा भी डर नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर आपको भी चौकन्ना होने की जरूरत है, क्योंकि अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। सरेराह किसी को भी शिकार बना सकते हैं। तस्वीरों से साबित होता है कि पुलिस भी इनके सामने बौनी है। दरअसल रोहतक की काठमंडी में पीएनबी के ग्राहक सेवा केंद्र से तीन युवकों ने 1,70,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। तीनों युवक पास की दुकान में करीबन एक घंटे तक घात लगाए बैठे रहे। मौका देख तीनों युवकों ने घटना को अंजाम दिया। घटना बिल्कुल फिल्मी अंदाज में घटित हुई। तो जैसे भी कस्टमर यहाँ से निकला, निकलते ही वो तीनों के तीनों आ गए और हमारे मतलब हमारे ऊपर लगा दिए तीनों पे। तीनों बंदों ने हम दोनों पे लगा दिए गन पॉइंट पे। तो जितने भी पैसे है सारे पैसे दे दो, नहीं तो मतलब गोली मार दे। कितने पैसे थे आपके पास? सर 1,70,000 है करीब। काफी देर से बैठे थे वो? हाँ काफी देर से बैठे थे। हम आइडिया नहीं था ना भाई ऐसे कर सकते हैं। और एक मोबाइल ले गए साथ में और एक मेरा पर्स ले गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी को कब्जे में लेते हुए जांच में जुट गई है। पुलिस को इतला मिली कि भाई मित्र बैंक है, जो पीएनबी बैंक है, उसमें वारदात हुई है। जो मौके पर आगे पता किया गया कि तीन लड़के हैं जो नौजवान उम्र के हैं, मित्र बैंक है, वो एक दुकान के अंदर चला रखा था इन्होंने, जिसमें कोई प्रिकॉशन नहीं हुआ। वहाँ से लगभग 1.5 लाख के करीब कैश ले लिया। हालांकि पुलिस आश्वासन दे रही है कि बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन कब तक इस बारे में फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने व्यस्ततम बाजार में बदमाश आते हैं, घात लगाकर बैठते हैं और लूट कर चले जाते हैं, लेकिन पुलिस हाथ मलती रह जाती है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।